हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते हैं। आज मैं जा रही हूँ परवल का भरवा बनाने, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैंने 7 से 8 परवल ले लिए हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। इसे मैंने अच्छे से धुल करके साफ़ कर लिए है। और इधर मैंने मसाले लिए हैं। इसमें मैंने 1 प्याज लिए हैं, जो आप देख सकते हैं मैंने जार में डाल लिए हैं। लहसुन की कलियाँ हैं 8 से 10। जीरा 1 इंच के लगभग मैंने अदरक के टुकड़े लिए हैं। इसमें 1/2 चम्मच जीरा और 8 से 10 काली मिर्च मैं डाल करके इसमें 1/2 गिलास के लगभग थोड़े से 2 चम्मच के लगभग पानी डाल करके इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। और परवल जो है इसे मैं अभी पानी गर्म करके उसमें डाल दूँगी, जो आप देख सकते हैं उधर गैस पर चढ़ा हुआ है पानी। इसमें डालकर 1 मिनट के लिए आप इसे उबाल लें। खोल रहा है, इसमें आप 1-1 करके परवल डाल के इसको तरह से डाल लें। और इसे डाल ले, आप चाहें तो इसे ढक देंगे तो थोड़ा जल्दी ही पक जाएंगे। चलिए मैं अब मसाले पीसने जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने इधर मसाले ग्राइंड कर लिए हुए हैं। इधर मैंने सब्जी मसाला 1 चम्मच इसमें डालूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। गरम मसाला ऐड कर लें। हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच के लगभग मैंने लिए हैं। चुटकी भर मैंने मिर्च लिए हैं। सबको आप चम्मच की सहायता से इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करें। इधर आप देख सकते हैं परवल भी हो चुके हैं। अब आप गैस की फ्लेम कम कर दें और इसे आप निकाल लें। इस तरह से निकाल करके इसको ठंडा करें और उसके बाद बीज इसका निकाल लें। किनारे पूरा अब इसे मैं हटा दूँगी। इसी गैस पर अब मैं पैन या कढ़ाई आप गर्म करें, उसमें तेल डाल करके अब मसाले को मैं अच्छे से भूनूंगी। और इसके बीज को, एक ठंडा जब हो जाएगा परवल, उसके बीज निकाल करके बीज से इस तरह से चीटा लगा करके इसका बीज निकाल लीजिए। उसके बाद में बीज को फेंकी नहीं, बीज को भी मसाले के साथ भून लीजिए। ठंडा हो जाता है तो मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने परवल के बीज निकाल चुके हैं। इस तरह से मैंने नाइफ और इसकी सहायता से इस तरह से आप धीरे से तरह से करके आप बीज पूरे निकाल लें। आप देख सकते हैं इसके अंदर का पूरा बीज निकल चुका है। अब मैं इसे यहाँ पे देखिए, इतने सारे बीज निकले हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा ऐसे ही फ्राई करूँ, क्योंकि मैंने पानी में उबाले हैं तो थोड़ा सा इसमें पानी रह जाता है। ऐसे आप 1 मिनट के लिए इसे थोड़ा सा भून लेंगे, देख सकते हैं भून लें। उसके बाद में इसी तेल में मैं मसाले को भून लें। देखो तो मैंने मसाला थोड़ा सा अधिक लिए क्योंकि मुझे और भी दूसरी सब्ज़ी बनानी थी। इसमें इतने मसाले नमक पड़ेंगे जो आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं मसाले भून करके आप लोग को भर कर भी दिखाती हूँ। आइए आप देख सकते हैं परवल हल्का सा फ्राई हो चुका है, मुझे इतना ही चाहिए। इसको अब आप प्लेट में ट्रांसफ़र कर लें। इस तरह से ट्रांसफ़र कर लें। जो तेल अब बचा है उसी में मैं मसाले को अच्छे से भूनूंगी। सबसे पहले आप इसमें इसका बीज डालें, परवल का जो मैंने बीज निकाला था उसे आप सबसे पहले डाल दें। इसे भून लें, उसके बाद में आप इसमें मसाले ऐड कर लें और इसे भूनें। उसमें फिर नमक आप ऐड कर लें। इस तरह से मैं 1/2 मसाले ही यूज़ कर रही हूँ। 1/2 मिनट इसमें सब्ज़ी बनानी है। इसलिए देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब मैं इसे यहाँ ट्रांसफर कर ले रही हूँ। अब इसी पैन में कढ़ाई में 2 चम्मच के लगभग तेल डाल करके गर्म होने दूँगी। तब तक मैं इसे परवल जो है उसे मैं फिल करूँगी, जो आप लोग को मैं दिखाऊँगी किस तरह से फिल करना है इसमें। तो चलिए तब तक मैं इधर तेल पैन में डाल देती हूँ कढ़ाई में, फिर गर्म होता रहेगा। इस तरह से बड़ी वाली स्पून से आप 1 स्पून के लगभग डाल दें। इसमें तेल भी अधिक नहीं लगता है। आप देख सकते हैं ऑलरेडी ये पक चुका है पूरी तरह से। अब इसे थोड़ी सी ना मुझे गोल्डन कलर में इसे करनी है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा रख करके, अब ये गर्म है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ही डाल रही हूँ। जितना इसमें आ जाए उतना आप इस तरह से सारे परवल को भर लें इस तरह से। और इसमें मैंने नमक आपको रेशियो बताया ही था, उस तरह से आप भी इसमें नमक ऐड कर लें। देख सकते हैं 1 चम्मच मसाले मेरे बचे हैं, मैंने सारे को फिल कर लिए। इस तरह से आप भी पूरे फिल कर लें।
इधर तेल भी गर्म हो चुका है, इसमें आप इसे पलट उलट करके अच्छे से पकाएं, गोल्डन कलर होने तक आप इसे इस तरह से पकाएं। इसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। ये हो चुके हैं अच्छे से, इस तरह से दोनों मैंने इसे पलट करके अच्छे से पकाए हैं। अब मैं इसे आप लोगों के लिए सर्व करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह से आप इसे लंच में, नाश्ते में इसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब भरुआ होता है। आप लोग भी प्लीज़ इसे बनाएं और शेयर करें। और आप लोगों को कैसा लगा ये आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और इंजॉय करें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सब।